हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बस। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच का, जो है आइक्रोस प्रोंटो मैक्स प्लस। इस वॉच की एक खास बात है कि ये डिज़ाइन में तो एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह है, लेकिन इस पर एक मेटल स्ट्रैप दिया गया है जो शायद ही मार्केट में आपको दूसरे कोई स्मार्ट वॉच में मिलेगा। तो आज मैं इसका एक इन डेप्थ रिव्यू करूँगा, बात करूँगा इसके डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में, और आपको बताऊँगा क्या ये वॉच लेना वर्थ है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर वर्ल्ड नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है हमारी स्मार्ट वॉच का बॉक्स। टॉप में है इसका नाम आइक्रोस प्रोंटो मैक्स प्लस। सेंटर में इमेज है जो बताता है कि ये वॉच दिखती कैसी है, और इसकी की फीचर्स मेंशनड है, जैसे इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर दिया गया है और वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट है। साइड में है कुछ और फीचर्स, जैसे ब्लूटूथ 5.0 पर काम करती है, इसमें हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटर दिया है, और 5 से 7 दिन का स्टैंड बाय टाइम मिलता है। बैक में मेंशन है इसके स्पेसिफिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और प्राइस। बॉक्स पर इसकी प्राइस है 13,000 रुपीज़, बट आप टेकबस 60 कोड को यूज़ करेंगे तो आपको ये 4,800 में मिल जाएगी। लेटेस्ट प्राइसिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर चेक कर सकते हैं। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स में सबसे पहले है आइक्रोस प्रोंटो मैक्स प्लस का डायल सिल्वर कलर में। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप, जो आपको किसी भी दूसरे एप्पल वॉच अल्ट्रा डिजाइन वाली वॉच में नहीं मिलेगा। बॉक्स में नीचे दिया है मैग्नेटिक पॉइंट चार्जिंग केबल वॉच को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट है यूजर मैनुअल, जिसमें वॉच को पेयर कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स और वारंटी के बारे में बताया गया है। लास्ट है ये वेलकम कार्ड, और उस पर 6 मंथ्स की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है। फ्रंट में 1.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। राइट साइड में है वर्किंग क्राउन, कॉलिंग के लिए माइक और होम बटन। दूसरे साइड में है स्पीकर का ग्रिल और वॉच अल्ट्रा की तरह एक्शन बटन, बट वो वर्क नहीं करता। बैक में है एक्चुअल स्पीकर, मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट और हार्ट रेट और दूसरे चीज़ों के लिए सेंसर्स। वॉच में 200 mAh की बैटरी दी गई है और इसे फुल चार्ज होने में 1 घंटा लगता है। ओवरऑल लुक्स में ये एकदम सेम है ओरिजिनल एप्पल वॉच अल्ट्रा से। ओरिजिनल एप्पल वॉच अल्ट्रा में तो टाइटेनियम केस होता है, बट इसमें एल्युमिनियम केस दिया गया है। और ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मेटल स्ट्रैप को स्लाइड करके डायल में अटैच कर सकते हैं, और आप चाहे तो दूसरे बैंड जैसे ओशन बैंड भी लगा सकते हैं इस पर। स्टेनलेस स्टील स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है और काफ़ी स्टडी है। यहाँ पर है आइक्रोस की ब्रांडिंग। ओवरऑल इस मेटल स्ट्रैप के साथ ये वॉच बहुत प्रीमियम दिखती है, और आप चाहे तो इसे ऑफिस वेयर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1.9 इंच का IPS HD डिस्प्ले दिया है विथ 320x385 पिक्सल्स। इसलिए डिस्प्ले शार्प और वाइब्रेंट है, टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, UI भी काफ़ी तक स्मूथ है इसका, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता स्क्रोलिंग के वक्त। डिस्प्ले इंडोर्स में तो अच्छा खासा ब्राइट है, बट आउटडोर में भी विजिबिलिटी अच्छी है इसकी, क्योंकि इसमें 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। आइक्रोस प्रोंटो मैक्स प्लस IP67 सर्टिफाइड वाटर रेसिस्टेंट भी है, तो स्वेट या हल्के वाटर ड्रॉप से इसमें कोई इशू नहीं आएगा। होम स्क्रीन पर लेफ्ट या राइट से स्वाइप करेंगे तो इसका वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे एडिशनल वॉच फेसेस भी अवेलेबल है, जो मैं आगे बताऊंगा। लॉक स्क्रीन पर टॉप से स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। नीचे से स्वाइप करने पर शॉर्टकट बटन्स आते हैं, जिसमें एयरप्लेन मोड, म्यूजिक कंट्रोल्स, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, पेयरिंग के लिए QR कोड, UI स्टाइल ऑप्शन और हेल्थ ट्राईसाइक्लिक ऐप है, जिसमें आप आपका स्टेप काउंट, आपकी ट्रेनिंग डिटेल्स, आप कितने देर से खड़े हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और किलो कैलोरीज बर्न्ड जैसी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें 5 UI स्टाइल्स दिए गए हैं, जिसमें पहला ये एप्पल वॉच वाला स्टाइल है जो बहुत अच्छा दिखता है। सेकेंड लिस्ट व्यू वाला ऑप्शन है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। थर्ड है 3x3 आइकॉन्स का ग्रिड पैटर्न। फोर्थ है ड्यूअल रोटरी आइकॉन्स वाला स्टाइल, जो काफ़ी यूनिक है। और लास्ट है सिंगल रोटरी आइकॉन्स। इसका जो क्राउन बटन है, उससे भी आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं रोटेट करके। नीचे वाले बटन से आप वॉच को लॉक कर सकते हैं, और क्राउन बटन से मेनू एक्सेस होता है। अब फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको डेडिकेटेड डायल पैड मिलता है, तो फोन से ब्लूटूथ पर कनेक्टेड रहने पर आप डायरेक्टली यहीं से नंबर डायल कर सकते हैं, या फिर इसमें कॉन्टैक्ट्स भी सिंक होते हैं, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट को क्लिक करके भी कॉल कर सकते हैं। कॉल आने पर डिस्प्ले पर कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा विद वाइब्रेशन। इसमें आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, इसे ऑन करने पर पीछे ये सेंसर ऑन हो जाता है, और इसमें आपको मैनुअली ही हार्ट रेट चेक करना पड़ेगा, ये ऑल टाइम ऑन नहीं रहता। नेक्स्ट है SpO2 सेंसर, जो कोरोना के बाद से काफ़ी काम में आता है। हेल्थ ट्राईसाइक्लिक ऐप तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें ECG वाला ऑप्शन भी दिया गया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसमें 7 स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं, जैसे रनिंग, बाइक राइडिंग, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल और फुटबॉल। और आप ट्रेनिंग के हिसाब से अपना टाइमिंग, BPM, कैलोरीज बर्न्ड और डिस्टेंस जैसी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर सकते हैं, बट मैं आपको पूरी तरह इस पर डिपेंड रहने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। वॉच को डायरेक्टली यहीं से रीसेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेदर ऐप। फ़ोन से पेयर हो जाने के बाद आपके सिटी का वेदर इसमें विजिबल होता है। फाइंड माई आईफोन ऐप से फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं, और फ़ोन वाइब्रेट और बीप करना चालू हो जाता है। इसमें स्लीप मॉनिटर भी मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कितनी देर तक और कितनी गहरी नींद में सोए थे, और इसकी डिटेल रिपोर्ट आपके फ़ोन पर सिंक हो जाती है। मैसेजेस में जाएंगे तो आपके सभी ऐप्स के नोटिफिकेशंस यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। वॉच को आप एज अ टाइमर स्टॉप वॉच भी यूज़ कर सकते हैं।
स्मार्टफोन से पेयर करने के लिए ऐप को डाउनलोड करने के लिए QR कोड दिया गया है। ये वॉच एंड्रॉयड और iOS दोनों पर सपोर्टेड है। मोर ऑप्शन में जाएंगे तो वॉइस असिस्टेंट का फीचर है, जिससे आपके फ़ोन का गूगल असिस्टेंट या सीरी एक्टिवेट होता है। अबाउट में जाएंगे तो ब्लूटूथ एड्रेस, मॉडल नंबर और स्विच ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है वॉच को। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट है इंग्लिश के अलावा। आप चाहे तो मैन्युअली भी टाइम और डेट सेट कर सकते हैं, बट फोन से जब ये वॉच पेयर हो जाएगी तब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। डिस्प्ले कितने देर तक बंद नहीं होना है उसका टाइम आप सेट कर सकते हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा कि इसमें मैक्सिमम 3 मिनट तक का टाइम अवेलेबल है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस के लिए भी डेडिकेटेड ऐप्स है। तो ये है फिट प्रो ऐप, जिससे आप iCruise Pronto Max Plus वॉच को फ़ोन से पेयर कर सकते हैं। टॉप में आपका स्टेप काउंट, डिस्टेंस कवर्ड, किलो कैलोरीज बर्न्ड और डेली गोल्स के डिटेल्स विजिबल है। हेल्थ रिपोर्ट में जाएंगे तो आपके बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी फैट रिपोर्ट की डिटेल्स विजिबल है। आपके सभी एक्टिविटी की डिटेल्स यहाँ पर विजिबल रहती है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर की टाइमली रिपोर्ट्स यहाँ पर सभी स्टोर्ड रहती है। स्लीप मॉनिटर में आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने देर तक और कितनी क्वालिटी नींद में सोए थे, पूरी डिटेल्स यहाँ पर स्टोर्ड रहती है। इसमें ECG का भी ऑप्शन दिया गया है और स्कैन कंप्लीट होने के बाद पूरी डिटेल यहाँ पर विजिबल रहती है। सेट में जाएंगे तो स्मार्ट वॉच की कुछ सेटिंग्स है यहाँ पर, जैसे रेस टू वेक वाला फीचर, जिससे वॉच को अपने तरफ रोटेट करने पर डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन होता है। ये फीचर कितने देर तक वर्क करना चाहिए उसे आप सेट कर सकते हैं। वॉच को एज एन अलार्म क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल अलार्म्स सेट कर सकते हैं इसमें। अगर आप काफ़ी देर से आइडल बैठे हैं बिना कोई मूवमेंट्स के, तो सेडेंटरी रिमाइंडर से वॉच आपको रिमाइंड करेगी कुछ एक्टिविटी करने के लिए। फाइंड पर क्लिक करेंगे तो वॉच वाइब्रेट होती है। उसके बाद रिमोट शटर वाला ऑप्शन है, जिससे आप वॉच को एज अ बटन यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन से फोटो खींचने के लिए, और फोटोज़ गैलरी में सेव होते हैं। आपको वॉच पर किन ऐप्स की नोटिफिकेशन चाहिए वो यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप कुछ कॉन्टैक्ट्स को यहाँ से वॉच में सिंक कर सकते हैं, जिससे वो वॉच में फ़ोन बुक में अवेलेबल होते हैं। डायल सेटिंग्स में जाएंगे तो 100+ वॉच फेसेस अवेलेबल है, और आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी वाइड वैरायटी मिलती है। तो चाहे आपको कलरफुल फंकी वॉलपेपर चाहिए या फिर सिंपल वॉच फेसेस, सभी यहाँ पर विजिबल है। अगर आप चाहे तो अपना कस्टम वॉच फेस, जैसे अपने पसंद के फोटो को भी एज अ वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं। फोटो सिलेक्ट होने के बाद आपको उसे क्रॉप कर लेना है, फिर टाइमिंग वगैरह की प्लेसमेंट करके सिंक कर लेना है, और बस कुछ ही सेकंड्स में आपका कस्टम वॉच फेस वॉच पर अप्लाई हो जाएगा। बाकी वॉच को रीसेट, अनपेयर करने का ऑप्शन दिया गया है, और आप वॉच को यहीं से डायरेक्ट अपडेट भी कर सकते हैं। बाकी इसमें आप अपना पूरा यूज़र प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और वीकली एक्टिविटी रिपोर्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब करते हैं इसके स्पीकर और माइक का चेक। आप देख सकते हैं कि इस पर कॉल आ रहा है, तो कॉल उठाकर देख लेते हैं। हेलो, अभी मैं अपना iCruise स्मार्ट वॉच का माइक और स्पीकर टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? हाँ, एकदम क्लियर है। कोई बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह, क्योंकि ऊपर फैन चालू है? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है ना? नहीं है। और लाउडनेस कैसी है साउंड की? क्लियर है ना? ओके। वॉच के थ्रू आप म्यूजिक को प्ले, पॉज या सॉन्ग को स्किप कर सकते हैं, और जब वॉच ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है फ़ोन पर, तब इस स्पीकर से म्यूजिक भी सुन सकते हैं। साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है। फ़ोन के सभी नोटिफिकेशंस वॉच पर आते हैं, बट यहाँ से रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है। बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो कंपनी ने 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप क्लेम किया है, बट मुझे इसमें सिर्फ 1 से 1.5 दिन का ही बैटरी बैकअप मिला है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू ऑफ iCruise Pronto Max Plus। बिल्ड क्वालिटी इसकी एकदम ज़बरदस्त प्रीमियम है, सभी इंपॉर्टेंट सेंसर्स है इसमें, माइक की क्वालिटी इसकी अच्छी है और स्पीकर डिसेंट क्वालिटी का है। अगर आपको ये वॉच बेस्ट प्राइस में खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वॉच कैसी लगी, और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोज़ के साथ। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड।